कर्मचारियों के प्रधान हमारे भाई पवन चौधरी जी एक ऐसे नेता, एक ऐसे कर्मचारियों के नेता जिनके पीछे मेरा मानना है कि हजारों लाखों लोगों पर जिनकी छाप है, इन्होंने भी आज कांग्रेस में अपना विश्वास जताया और इनके साथ गुड़गांव आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील गहलोत जी, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके नाम का ही कहते हैं कि नाम ही काफी है। एक सुनील गहलोत जो किसी आज मोहताज नहीं है किसी भी चीज के, भीमगढ़ खेड़ी के है और आज इन्होंने भी विश्वास, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इनके साथ किरण पुनिया जी, किरण पुनिया जी ये ऐसे मेरा ये प्रस्तुत मान रहा है ऐसे वक्ता और ऐसा जो ये लिखते हैं, आपने इनको देखा होगा बहुत बार लिखते हुए, किरण पुनिया जी ब्लॉक अध्यक्ष है गुड़गांव के, ये एक ऐसी कोर टीम है, आज इन्होंने कांग्रेस में विश्वास जता, मैं इनका दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब इच्छा थी कि हमारा भाई, हमारा छोटा भाई यहाँ से विधायक बने, उस इच्छा को पूरा करेंगे, इसके लिए हम नियमित है और आज हमने इस्तीफा दिया और कांग्रेस और इनको मजबूत करने का काम इस एरिया में करेंगे। और जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी है, चाहे ब्लॉक का हो चाहे युवा हो, जितने भी पूरा जो माइक्रो मैपिंग के ऊपर चुनाव की तैयारी करी थी, अब इनके लिए माइक्रो मैपिंग की चुनाव की तैयारी भाई मोहित गोवर जी के लिए करेंगे। उपस्थित सभी मेरे मीडिया के साथी, आदरणीय साथियों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय विश्वनाथ शिवाली जी जो कांग्रेस पार्टी को 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़गांव में, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को न केवल गुड़गांव में सारे हरियाणा के अंदर मजबूत किया है। आज ये शहर जो 65% रेवेन्यू पूरे हरियाणा को देता हो, उसी शहर में अस्पताल ना हो, स्कूलों की ऐसी हालत हो, सड़कें टूटी फूटी हो, सीवर का समस्या हो, स्वच्छ पानी की समस्या हो, तो ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस स्थिति को बदलने के लिए आज लोगों ने अपना मन बना लिया है। कुनीतियों की वजह से और आम आदमी जिससे त्रस्त है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कर्मचारियों के हनन को लेकर के, तो इस समय पे हम सभी कांग्रेस के साथ मिलकर के एक ही नहीं चारों विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ से मोहित ग्रोवर जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। अकेला नहीं है, उनका काफी बड़ा वोट बैंक है, अब वो वोट बैंक भी कांग्रेस को मिल गया, इसीलिए आज जिन लोगों ने आपको छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया, इनके साथ भी अकेले नहीं है, इनके साथ पीछे को ना कोई वोट है, तो वोट बैंक है। ये चुनाव जो है कोई आम चुनाव नहीं है, ये हमारे शहर में फैली अव्यवस्था के खिलाफ चुनाव है। आप देखते हैं पिछले 10 सालों से, पिछले दशकों से जो गुड़गांव का हाल हो चुका है, पूरा ग्राम बन चुका है, जल ग्राम बन चुका है, सबके टोकन नहीं है, घरों में जो है स्वच्छ पीने के पानी किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है, हर एक किलोमीटर तो आप नहीं जा सकते हैं गड्ढों के बिना, जनरल लाइन आपको फ्री में मिल रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे प्रत्याशी गुड़गांव के मोहित ग्रोवर जी हैं, उनके लिए वोट करें।